इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो वट इज गिवन टू यू वाई अपॉन एक्स इज गिवन टू यू वाई अपॉन एक्स इज गिवन टू सिक्स एंड जेड अपॉन एक्स इज गिवन टू जेड अपॉन एक्स इज गिवन टू फाइव ओके आप चाहो तो रेशियो वाला कंसेप्ट भी ले सकते हो यहां से आप वाई इज टू एक्स इतना जाएगा वाई एस टू एक्स विल बी सिक्स टू वन और यहां से एक्स टू जेड लिखिए एक्स टू जेड हो जाएगा is equal to one is to five, ठीक है उल्टा मैंने उल्टा ले लिया रेसी प्रोकल एक ही बात है ठीक है एक्स टू जेड विल बी वन इज फाइव ओके सो नाउ क्योंकि अगर आप इन दोनों को मर्च करोगे सी ठीक है मैंने आपको मर्च करना बताया है तो यहाँ पर यू विल फाइंड कि जो वाई इज टू एक्स क्योंकि जो कॉमन है वो सेम है वाई एक्स टू एक्स इज टू जेड विल बी नथिंग बट सिक्स इज टू वन इज़ टू फाइव ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी है सिक्स ए कोई भी लेट्स टे कॉमन मल्टीपल एक्स की वैल्यू कितनी है ए और जेड की वैल्यू कितनी है फाइव ए थीके? और ये तीनों एंगल गेट वन एटी डिग्री ठीक है मैंने क्या करा मैंने दो रेशियोज को पहले मर्ज करा मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको कराए ना एस टू बी अगर फोर इस टू फाइव दिया है और बी एस टू सी अगर आपको सिक्स इस टू सेवन दिया है सो फाइंड एस टू बीज टू सी मैं बच्चों से कहता था जो कॉमन है उसको आप आ, सेम बनाने की कोशिश करो यहाँ पर जो कॉमन है यहाँ पर एक्स एक्स कॉमन है वो ऑलरेडी सेम है ठीक है फर्स्ट वाले रेशियो का एक्स इज़ वन सेकेंड वाले रेशियो का एक्स इज़ वन तो आप डायरेक्टली इसको मर्ज कर सकते हो तो मैंने वाई इस टू एक्स इज टू जेड को डायरेक्टली मर्ज कर लिया सिक्स इज टू वन इज टू फाइव ओके और मर्ज करने के बाद आई हैव टेकन कॉमन मल्टीपल ठीक है रेशियो के क्वेश्चन को वैल्यू बनाने के बनाने के लिए हम क्या करते हैं वी टेक कॉमन मल्टीपल सो लेट्स लेट्स टेक कॉमन मल्टीपल ठीक है तो मैंने यहाँ पर कॉमन मल्टीपल लिया ए आई हैव टेकन ए कॉमन मल्टीपल तो अब इसको ऐड करोगे दिस विल बी हाउ मच दिस विल बी 12 ए सबको ऐड करोगे इज इक्वल टू 180 तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री ठीक है ए विल बी हाउ मच 15 ए की वैल्यू 15 डिग्री नहीं ए 15 आया अब x जो आपसे पूछा हुआ है आपसे x पूछा हुआ है तो x कितना है x a तो एक्स की वैल्यू विल बी 15 डिग्री ठीक है वेरी सिंपल सी इज़ द राइट आंसर वेरी गुड तो इतने आसान सवाल आप लोगों से पूछे आते हैं ओके okay?